सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर डीजल पड़ गया है, इसका चमड़ा नुकुल गया है। अब आप ही बताइए नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे छोटका बढ़ुआ से मिला हुआ है। और दोस्तों जहां पर ये खुदाई चल रहा है आप देख सकते हैं, यहीं पर दोस्तों एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप दोस्तों छिपा हुआ है। और इसको अब निकालते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर घर के लोग हैं, गाँव के लोग हैं दोस्तों, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, सांप को देखने के लिए आए हुए हैं। और सब लोग सांप को देखने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं इसको हम खुदाई कर रहे हैं और निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों कैसा सांप है, वो कितना बड़ा है। खोदो उसको, निकालो निकालो उसको, खोदो। हर काम इससे उल्टा सीधा बात का करे इसिया देखल हम करे ना अरे टूट जाए यार। और दोस्तों जैसा कि आप पकड़ लिया है, ये दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। और काफी दोस्तों अब उठबो वैसे की लाबो उठ पाइस तो खाली वाली है। पानी चल जाए, पानी नला कहाँ नला ए यार अच्छा। हर एक चीज के मतलब आंसर तुम्हें दिखाओ पूरी हमें पकड़ो इसे सभी ऊपर आ सभी क्यों क्यों मोटे ना भी उठाए रात हो गया सब कुछ खाई तो दोस्तों सांप को फाइनली पकड़ लिया गया है। कोबरा डीजल क्या डीजल छोड़े थे क्या, तभी तो बता रहे इसका चमड़ा नुकुल गया है, सारा चमड़ा और लाओ पानी। डीजल छोड़े थे क्या, अरे भगवान पानी और लाओ जल्दी। दोस्तों इसके ऊपर ये लोग डीजल भी डाल दिए थे, बताओ इतने बेरहम लोग हो गए हैं कि इसके प्रति थोड़ा भी इंसानियत नहीं दिखा रहे हैं। इनके ऊपर ना डाल के रहा भाई, विलियम डाल के रहा। तू कहाँ आया हो या तमाशा देखे आया हो, और देख ले पहले देखो क्या हुआ, देख ले देख देखो बाप जी है बाप जी। कैमरा मैन फोकस करो पाएंगे। अब पता चल गया कि बाप जी वही है हमारे। आराम से छोड़ो गिन गणाम से। अरे थोड़ा कैमरा मैन उधर भी फोकस करो यार। अरे भैया यार वो छतो हाँ। अरे पूजे बड़े माहिर होते भाई ये रात बोल रहा ना दवाई डाल बोला डाल कर
लेकिन परा पाओ के ऊपर देखो पनिया परा परा ना हो तो नुकला ना ही हो ध्यान ले अबे गुस्सा ने रहा लेकिन पहले भैया ना ज्यादा ना पानी ना डाले पीछे ठंडाई जाए नहीं ठंडाई बात ना इतना ठंडी ना है दो बहनों करे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना घनश्याम बाबा सर मित्र तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसको पकड़ लिया गया है ये दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है हमारे यहाँ दोस्तों इसको फेटार घुंघन नाग बोला जाता है कहीं कहीं पर दोस्तों इसको साइंटिस्ट दोस्तों नाजा नाजा के नाम से बोलता है इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होता है घर के लोग हैं गांव के लोग हैं सब लोग ने दोस्तों इसको काफी टाइम से दोस्तों घिराव करके रखा था इसको कहीं जाने नहीं देंगे और ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर डीजल पड़ गया है इसका चमड़ा नुकुल गया है अब आप ही बताइए दोस्तों क्या इनका जीने खाने का हक नहीं है इस दुनिया में मान सकते हैं मजबूरी होता है मारना एक रास्ता भी होता है बचाना बराबर है कि नहीं भाई हम जैसे लोग दुनिया में अगर है बचाने वाले तो बुलाइए हमें हम आएंगे बचाएंगे तो रास्ता देख अरे भैया जो मेरे खदेड़ी ना है तो दोस्तों इसको हम पकड़ लिए हैं और इसको दूर कहीं जंगल में ले जाकर हम छोड़ देंगे क्योंकि दोस्तों ये पर्यावरण मित्र है इनको बचाना काफी जरूरी है दिन पे दिन दोस्तों सांप खत्म होते जा रहे हैं इसलिए आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे इनको बचाइए और चलिए अब आगे वीडियो में देखिए क्या होता है तो दोस्तों ये आप सब देख सकते हैं घनश्याम बाबा इसको थोड़ा कपड़े से जो इसके शरीर पर डीजल पड़ा हुआ था इसको पोछ रहे हैं ऐसा दोस्तों ये भी ना हो जाए कि दोस्तों इसका पूरा शरीर सफेदी छा जाए ये आप देख सकते हैं इसे फुफकार मार देता है उसी के माफिक दोस्तों इसके शरीर पे पूरा हो गया है तो हम इसको दोस्तों बचाने की कोशिश करेंगे और इसको बचा भी लिया दोस्तों लेकिन अभी भी डीजल महक रहा है अभी भी दोस्तों डीजल महक रहा है ये आप देख सकते हैं कैसा इसका पोजीशन हो गया दोस्तों इस सांप का और ये आप देख सकते हैं दोस्तों जवान है और ये आप दोस्तों देख सकते हैं घनश्याम बाबा इसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा करुआ तेल लगा रहे हैं कि ताकि जो है जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो डीजल पड़ा हुआ है उसके ऊपर असर ना करे मरने से बच जाएगा दोस्तों ये बेजुबान जानवर तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं झोरी के अंदर इसको पैक कर दिए हैं घनश्याम बाबा और पैक करने के बाद दोस्तों इसको कहीं दूर जंगल में इसके अनुकूलित वातावरण में हम छोड़ देंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कैसा लगा इस बेजुबान को बचा करके नमस्कार जय हिंद जय भारत।